अलवर जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज दोपहर अलवर पहुंचे और तूफान में मारे गए लोगों के परिवारजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद मंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों से जिले की स्थिति जानी और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर तत्परता से काम करने की हिदायत दी और आने वाले 48 से 72 घंटे में फिर मौसम के बिगड़ने की संभावना जताते हुए प्रशासन को अलर्ट किया और कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दिए जाने की बात कही। साथ ही मंत्री ने कहा कि अलवर जिले के 6 मृतकों को मुआवजा दिया जा चुका है और जो अन्य राज्यों के मृतक हैं उन्हें वहीं से मुआवजा दिलाया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित जलदाय विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद और नगर विकास न्यास सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही ग्रामीण विधायक जयराम जाटव, जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, जिला महासचिव संजय नरुका भी मौजूद रहे। ये अचानक जो ये जो आपदा आई है हमारे, और मैं ये सोचता हूँ भगवान की कृपा है कि कैजुअलिटीज बहुत कम हुई है। टोटल जो है हमारे जो अलवर जिले के जो मृतक हैं, जो यहाँ निवास करते हैं, वो हैं 6, और 6 के 6 को कॉम्पनसेशन। यहाँ तो ज़्यादा लोग मरे हैं, बाहर के होंगे, मरे ज़्यादा लोग हैं, टोटल 9 ज़्यादा नुकसान, सॉरी ज़्यादा नुकसान भरतपुर में हुआ है, ज़्यादा भरतपुर में हुआ है। और जबकि जो 140 किलोमीटर की विंड यहाँ से निकली है कि भगवान की कृपा है कि ज़्यादा कैजुअलिटीज इससे ज़्यादा नहीं हुई, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो सकती थी। तो 6 कैजुअलिटीज़ तो हुई है जो अलवर के निवासी हैं, 3 की हुई है जो यहाँ पर जैसे काम करते थे, लेबर टाइप फैक्ट्री में काम करते थे, वो बाहर अन्य प्रदेशों के हैं। तो और अभी एक मूर्ति लेने आया था शॉपिंग के लिए, उनकी डेथ हो गई, जयपुर के थे। तो ऐसे करके हमारे जो नागरिक है यहाँ के, 6 लोगों की डेथ हुई, सब 6 के 6 को उनको 4 लाख रुपये जो है कॉम्पनसेशन मिल चुका है। अभी मौजूद रहने वाले उनको नहीं देंगे हम लोग? नहीं, कॉम्पनसेशन तो मिलेगा, सबको मिलेगा जो जिनका यहाँ पर रह रहे हैं उसको भरतपुर से मिलेगा। अच्छा, अभी मौजूदा स्थिति में शहर के हालात पे जो समीक्षा हुई, अधिकारियों से बात हुई, उस पर क्या आपको लगता है कि कितने सुचारू व्यवस्था? देखो, सबसे ज़्यादा जो हमारी जो व्यवस्था सुधार में जो जिसको अभी कठिनाई आ रही है, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो बिजली विभाग, क्योंकि जहाँ पर आपका 33 का सबस्टेशन जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, वो रातों रात तो बन नहीं सकता है। तो वहाँ पर हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैंने फिगर्स मांगे हैं कि कितने किसान जो हैं इनके अभी ट्यूबवेल और कुएँ बंद पड़े हुए हैं। अंदाजन 800 का इन्होंने आंकड़ा निकाला, जो एक्चुअली मैंने इनको बोला इसको बिल्कुल एक्यूरेट लेके आ जाओ, कल तक ये मुझे एक्यूरेट फिगर बता दे। अभी क्या सामने आया? रफली एस्टिमेट 800, क्योंकि 800 का भी कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ है। हाँ, और 27,000। तो इसके अंदर क्या है कि अभी जो इनको मैंने एसी से पूछा, आपको क्या सामग्री की कमी है, आपको शॉर्टफॉल है तो मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ। उनका साहब हमारे बाकी सब कुछ है, पोल्स की ज़रूरत है। अब पोल्स जो है कि वो सेंक्शन होकर आ रहे हैं धीमे धीमे, अब अचानक पोल एक रातों रात नहीं बन सकता है। तो जोधपुर डिस्कॉम से अधिकांश पोल